हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट, अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम देखेंगे चार टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज गैप्स इन द कास्टिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कास्ट करने में क्या क्या गैप्स रखे, इसमें राइटर कहते हैं लूप होल्स जो हमारे फॉरेन पॉलिसी में है, और इंडिया को कैसे अभी करेंट सिचुएशंस में कैसे अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को सारी कंट्रीज के साथ, वर्ल्ड के साथ डेप्थ में ले जाने की जरूरत है। सेकेंड वन इज लिमिटेड पीस किसके ऊपर, ऑन यूएई एंड इसराइल पीस एग्रीमेंट। रिसेंटली जो यूएई और इसराइल की पीस एग्रीमेंट हुई है उसमें पीस तो आई है बट लिमिटेड है। इसे राइटर ने लिमिटेड क्यों कहा है ये हम देखेंगे इस एग्रीमेंट में। नेक्स्ट है टॉकिंग टफ ऑन वॉट, ऑन नागा इशू। इसमें राइटर नागा इशू के बारे में बात करते हैं कि नागालैंड के जो नागा ट्राइब्स हैं उनके क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, और इसके ऊपर हम कैसे इंडिया इसे डील कर सकता है। द फोर्थ वन इज डेमोक्रेसी नीड्स एंड इंटरनेट ऑम्बड्समैन। इसका मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी को कैसे एक इंटरनेट ऑम्बड्समैन चाहिए। अब आप सोचोगे ऑम्बड्समैन क्या है, ऑम्बड्समैन मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन, ओके, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा किस पे, इस टॉपिक पे कि किसी भी पर्सन ने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन किया तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने वाला कोई पर्सन, ओके, तो उन्हें ऑम्बड्समैन कहते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज गैप्स इन द कास्टिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इस आर्टिकल को लिखा है टीपी श्रीनिवासन ने, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर है इंडिया के एंड गवर्नर ऑफ इंडिया AIA, मतलब फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ओके। एंड तो राइटर सबसे पहले क्या करते हैं, एक की पॉइंट्स में अपने पूरे थॉट को लिखने की कोशिश कर रहे हैं एक लाइन में, एंड दैट इज की क्वेश्चन आर बींग आस्ड अबाउट द स्ट्रैटेजिक डेप्थ। स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात की जा रही है ऑफ द कंट्रीज इंटरनेशनल रिलेशन विद अ गुड रीजन, मतलब अच्छे कारणों से यह पूछा जा रहा है कि भारत की, इंडिया की जो करंट स्ट्रेटजिक डेप्थ है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो कहाँ तक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैलेंजेस इंडिया क्या क्या फेस कर रहा है। इंडिया भी COVID-19 पेंडेमिक से डील कर रहा है, जो कि फर्स्ट चैलेंज है। सेकेंड, रिसेंटली आपने सुना होगा कि गलवान वैली लाइन ऑफ कंट्रोल के पास चाइनीज सोल्जर्स हमारी टेरिटरी में आ गए और जिसकी वजह से फाइट हुई हमारे उनके सोल्जर में, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स की जान गई, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये है सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड है कार्टोग्राफिक एग्रेशन बाय लिटिल नेपाल। नेपाल ने काला पानी एरियाज को अपने मैप के अंदर दिखा दिया, तो ये हो गया नेपाल की प्रॉब्लम। द फोर्थ वन इज ईरान ज्वाइन वर्चुअल अलायंस विद चाइना। ईरान ने वर्चुअल अलायंस ज्वाइन कर लिया है चाइना के साथ, अब इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो पोर्ट आने वाला था ईरान का जो इंडिया डेवलप करने वाला था वो अब रुक गया। देन आफ्टर इंडिया ज्वाइनिंग अ वर्चुअल अलायंस विद चाइना, सॉरी पार्डन, रसिया गेटिंग क्लोज टू चाइना। अब रसिया को देखिए, रसिया काफ़ी बड़ा नेशन है बट रसिया का क्या है कि रसिया के ऊपर UN ने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि रसिया पे इतना ज़्यादा सैंक्शंस लग गया है कि रसिया को फॉरेन एक्सचेंज के लिए काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो रसिया और चाइना क्लोज आ रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि रसिया ने इंडिया को कई बार बचाया, जैसे कि बांग्लादेश के साथ, जब बांग्लादेश के पार्टीशन के लिए युद्ध हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान में, तब भी हमें बचाया था रशिया ने। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर पाकिस्तान शूटिंग कर रहा है अक्रॉस एलओसी के उस अक्रॉस से शूटिंग चल रही है पाकिस्तान के साइड से, ये भी एक प्रॉब्लम है। देन फाइनेंशियल क्राइसिस, ओके, एंड अदर चैलेंजेस, COVID-19 वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आई है, ठीक है, ये भी हो गया। फिर और भी कई सारे चैलेंज हैं। अब स्ट्रैटेजिक डेप्थ के बारे में क्वेश्चन उठ रहे हैं बट विद गुड रीजंस, ठीक है। आगे के टॉपिक में देखते हैं कि अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं आपको मैंने दिखाया, और भी कई प्रॉब्लम है, तो इसके साथ क्या चाहिए, अब इंडिया को एक नई पॉलिसी चाहिए जो कि इन सभी से डील कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो डेली चेंज करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में वर्ल्ड में क्या है, कोई भी परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता है, बस परमानेंट होते हैं तो क्या, इंटरेस्ट। आज अगर मेरा इंटरेस्ट आपसे हो रहा है तो उसमें पॉलिटिकली दोनों कंट्रीज़ में अच्छे रिलेशन्स होंगे, लेकिन कल अगर इंटरेस्ट नहीं रहा एक दूसरे का तो फिर वो एनमी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी बात कहिए। अब राइटर बात करते हैं फेरी टेल्स के बारे में, कि हमारे जितने भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं सबको किसी ना किसी फेरी टेल से सराउंड कर दिया गया। फेरी टेल मतलब जो देखने में सुनने में काफ़ी अच्छा लगे, लोग खुश रहें, बट अंदर क्या है यह किसी को नहीं पता। एक्चुअल इशू क्या है किसी को नहीं पता, बट उसे छद्मावरण दे दिया गया है एक फेरी टेल का, जिससे वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो राइटर बात करते हैं यहाँ तीन डिफरेंट लेवल के इश्यूज की, और उसे अंडरस्टैंड भी हम तीन तरह से कर सकते हैं। तो राइटर सबसे पहले क्या कहते हैं,
फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं, जो कि रियल सिचुएशन है, किसी भी प्रॉब्लम का रियल सिचुएशन। और इसे कौन जानते हैं? इसे जानते हैं हाई लेवल्स के लोग, जो हाई लेवल के लोग हैं या इंटरलोकुटर्स हैं वो, या फिर गवर्नमेंट। ओके, इंटरलोकुटर्स जो गवर्नमेंट में हैं वो जानते हैं, या हाई लेवल जानते हैं। अब इंटरलोकुटर्स कौन है? ये वो लोग हैं जो मेडिएट करते हैं, दो कंट्रीज़ के बीच वार्ता होती है उसमें जो मेडिएट करते हैं, सेक्रेटरी लेवल्स के ऑफिसर्स या और ऑफिसर्स, या जैसे चाइना के साथ हमारी डील चल रही है तो आर्मी ऑफिसर जा रहे हैं, अजीत डोवाल जी जा रहे हैं, तो ये हो गए। फिर सेकेंड ऑफिसर पर्सन, सेकेंड ऑफिशियल है पर्सन है। ओके, सेकेंड वन इज ऑफिशियल वर्जन, फर्स्ट वन वॉज रियल वर्जन। अब ऑफिशियल वर्जन क्या है? ये हाईली क्या होता है? गाइडेड होता है, हाईली फिल्टर्ड होता है, प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होता है। ये स्पोक्स पर्सन की भाषा है। ओके, स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्या होता है? एक रोजी पिक्चर होता है जो कि थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल रोजी पिक्चर में क्या है? ये पब्लिक के सामने रखा जाता है ताकि पब्लिक को अच्छा लगे, पब्लिक आउटरेजियस ना हो जाए, इसके लिए इसे सामने रखा जाता है, ठीक है। अब दीज फेरी टेल्स आर क्रिएटेड, ये फेरी टेल्स किसके द्वारा क्रिएट किया था? ऑफिशियल्स के द्वारा, फ्रेंडली प्रेस के द्वारा, कॉमेंटेटर्स के द्वारा, ठीक है। और इसे पब्लिक ओपिनियन में डाल दिया जाता है ताकि लोगों को सुनने में काफ़ी अच्छा लगे। जैसे रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि गलवान वैली में हमने चाइना को हरा दिया क्लास में। अब इसकी क्या सच्चाई है ये हम आगे देखेंगे, ये राइटर के ही वर्ड है जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, अब है क्या ड्रीम वर्ल्ड? ये देखिए, ये जो फेरी टेल्स हैं इसे राइटर कहते हैं कि ड्रीम वर्ल्ड। अब ये जो ड्रीम वर्ल्ड जिसमें हम जी रहे हैं ये डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और जब ये डिस्टर्ब होता है तो लोगों को काफ़ी चुभता है, ठीक है। अब लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि ये जल्दी से सही हो जाए, वो पैनिक में आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि सही हो जाए। जैसे मान लीजिए आज कहा जाए कि चाइना ने हमारा 150 या 1500 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर कर लिया, तो लोग क्या चाहेंगे? गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप जल्दी से चाइना से ये करिए, अगर आप चाइना से ये ज़मीन नहीं खाली करवा पा रहे हैं, चाइनीज सोल्जर वहाँ से नहीं जा पा रही है, तो हम आपको अगली बार वोट नहीं देंगे। अब इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आ जाएगी हटाने के लिए, ठीक है। पब्लिक पब्लिक बाइकआउट करेगी, इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब होंगे, ठीक है। अब इसे छुपाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? हर एक गवर्नमेंट करती है, ये क्या करते हैं? दो तरह की चीज़ें करते हैं। पहले तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आने देते, जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की बातें तो बताते ही नहीं, थर्ड लेवल की बातें बताते हैं, रोजी पिक्चर आपके सामने रखते हैं, या फिर क्या करते हैं? ये करते हैं कि बिजनेस डील कर लेते हैं, ठीक है, कोई मीटिंग्स कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है? कई सारे बिजनेस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि एग्रीमेंट्स तो होते हैं, बिजनेस एग्रीमेंट्स बहुत होते हैं, जो स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट थी वो तो होती नहीं। और पब्लिक ने कह दिया आता है कि हमने 32, 37, 38 एग्रीमेंट्स कर लिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होता है, ये गेम पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है, ये नहीं कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है, नहीं, अभी जो गवर्नमेंट है वो भी करेगी, आगे जो गवर्नमेंट आएगी वो भी ऐसा ही करेगी, हमारे हमारी गवर्नमेंट भी यही करती है, हमारे अपोजिट जो है, हमारी एनिमीज़ है उसकी गवर्नमेंट भी यही करती है, सब जगह ये चलता रहता है, ये वर्ल्ड वाइड गेम है, कॉमन है, ठीक है। आगे राइटर क्या कहते हैं कि हमें डीलिंग विद चाइना, अब चाइना से कैसे डील किया गया? अब देखिए चाइना से क्या किया गया कि चेन्नई कनेक्ट हुआ, जो कि महाबलीपुरम में हुआ था, आप सभी जानते हैं चेन्नई में एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, ठीक है। अब इस मीटिंग में क्या हुआ था कि इस मीटिंग में कुछ खास नहीं हुआ, कोई मीटिंग है सब, कोई इसके ऊपर बात नहीं हुई, स्ट्रेटजिक या फिर डिफेंस, इन सभी टॉपिक्स पर कोई बात नहीं हुई। अब इसमें काफ़ी इंथुजियाज्म के साथ हमारे पीएम मोदी और सी जिनपिंग सर आए थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लग रहा था उनके जेस्चर से कि इंडिया और इसमें चाइना में कभी फाइट ही नहीं होगा, दोनों के काफ़ी अच्छे रिलेशन है, बट देखिए उसके कुछ ही दिनों बाद ये हो गया, कुछ ही मंथ्स बाद ऐसा हो गया, ठीक है, गलवान वैली क्लैश हो गई। देन आफ्टर जो गलवान वैली में हुआ था, इवन बिफोर द प्रॉमिस डिसइंगेजमेंट जो लेना था चाइना को उसने स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन हमारी मीडिया ने दिखाने लगी, हमारी मीडिया सब जगह दिखाने लगी कि चाइना बैटल हार गया, रफाइल देखते के साथ वो भाग गए, रफाइल इंडिया पहुंचा नहीं कि चाइना बाहर चला गया। तो ये सब मतलब ये रोजी पिक्चर्स आपके सामने रखे जा रहे हैं। ऑल दो उन्होंने चाइना ने काफ़ी प्लानिंग के साथ, प्रिपरेशन के साथ धीरे धीरे डिसइंगेजमेंट शुरू किया, बट स्टिल ये दिखाना और युद्ध होने से पहले ही, वॉर ख़त्म होने से पहले ही विक्टोरियस दिखा देना, इट इज़ नॉट गुड, ऐसा राइटर का कहना है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट में कहते हैं रशिया के साथ टाई। अब देखिए रशिया के साथ टाई हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1962 में, ठीक है, जब इंडिया चाइना वॉर हो रहा था तो रशिया ने हमारी मदद करने से मना कर दिया, उसने कहा कि एक हमारा भाई है और दूसरा हमारा फ्रेंड है। ओके, इंडिया चाइना में से एक हमारा भाई है, दूसरा हमारा फ्रेंड है, हम दोनों के बीच में नहीं पड़ सकते, रशिया बाहर ही रहा इंडिया चाइना के मैटर से, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सपोर्ट, हमने रशिया के सपोर्ट को ग्रांटेड ले लिया है।
ओके, हमने चेक सपोर्ट को मान लिया कि ये तो आएगी ही आएगी, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, रसिया से हम अभी मिल के आए हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की सोची और व्लादिवोस्टोक स्टॉक में अभी मीटिंग हुई है, इसकी वजह से हो सकता है कि ठीक है हमारे रिलेशनशिप कुछ इम्प्रूव हुए हैं। बट आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा, पॉलिटिक्स में हमेशा इंटरेस्ट होते हैं, तो जो 60% हमारे आर्म्स हैं वो आदमी रसिया से आते हैं। ओके, अब 60% आर्म्स जब तक आप रसिया से ले रहे हैं, तब तक हो सकता है रसिया आपको सपोर्ट भी कर दे, बट ये सस्टेनेबल तो नहीं है। आप कब तक आर्म्स दूसरी कंट्री से लेंगे? इंडिया को भी मेक इन इंडिया सब कुछ करना चाहिए, हमारे आर्म्स हमारे देश में बनने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है, जैसा कि राइटर ने कहा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो राइटर इसी तरफ इंडिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब रसिया का क्या प्रॉब्लम है कि रसिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा है चाइना के ऊपर। ठीक है, तो चाइना के ऊपर जब वो इतना ज़्यादा डिपेंड कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज और इन सभी के लिए, तो वो हमारी हेल्प चाइना के खिलाफ वॉर में करेगा, ये बिल्कुल ही ध्यान देने लायक बात नहीं, ये मानने लायक बात नहीं। ओके, जैसे यहाँ लिखते हैं, रियलिटी आर डिफरेंट। रियलिटी कैसे डिफरेंट है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड रिमार्क दैट रसिया, अब देखिए एक प्रेसिडेंट की बात करते हैं, राइटर ने ऐसे कहा नहीं किस प्रेसिडेंट ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि रसिया इज एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, इस बात का रसिया एक्सेप्शन है। मुझे नहीं लगता, बट अगर इंडिया चाइना में वार होगी तो रसिया साथ आएगा, जो कि राइटर का भी शायद यही मानना है, जो कि इस लाइन से हो रहा है जाहिर। ठीक है, अब देखिए, रसिया इज क्वासी अलायंस विद चाइना रियलिटी, वाइल आवर परसेप्शन ऑफ रसिया हैज़ द वायल ऑफ फेरी टेल। मतलब यही राइटर कह रहे हैं कि हमने जो परसेप्शन रख रखा है रसिया के बारे में, वो बस एक तरह से समझिए आचरण है फेरी टेल का। ठीक है, द मिनिस्टर मीटिंग इन इंडिया चाइना एंड रसिया, अब मिनिस्टर मीटिंग इन इंडिया चाइना रसिया जो हुई थी वो गलवान वैली क्लास के ठीक बाद, एक वीक्स बाद, तो दैट इज़ नॉट गुड एज पर राइटर। अब यूएनएससी एंड हाई टेबल एंड एनएससी की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ एक और फेरी टेल है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें कहा जाता है कि इंडिया को बहुत जल्द ही वो एक्सपेंड होगा और इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगा, जबकि ऐसा होने के आसार बिल्कुल कम है। इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में 1979 से ही एक परमानेंट मेंबरशिप लेने की कोशिश कर रहा है, बट इसमें रियली कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इवन जो भी यूएन के, आपको इसमें अगर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो इंडिया को 2/3 वोट चाहिए होगा। देन आफ्टर जो भी इसमें परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी एक वीटो लगा के इससे ऑब्जेक्ट ना करे तो ये पास हो सकता है। तो आप जानते हैं चाइना तो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। दूसरी बात, जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स के, वो सभी चाहते हैं कि वीटो किसी भी कंट्री के पास ना रहे। ऐसी स्थिति में इंडिया को के वीटो को सपोर्ट कर पाना या ऐसी बात सोचना, ये सही नहीं है। फिर एक और फेरी टेल की बात करते हैं, जिसमें राइटर कहते हैं कि एक फॉर्मर सेक्रेटरी हैं जिन्होंने अभी अभी जस्ट क्लासिफाई किया है कि इंडिया को कभी भी परमानेंट सीट ऑफर नहीं की गई थी, वो भी ड्यूरिंग जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, जो कि काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है या सब जगह ऐसा कहा जाता है कि इंडिया को यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिली थी, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप मिल रही थी, जो इंडिया ने चाइना को ट्रांसफ़र कर दिया। बट एज पर द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, आगे कहते हैं कि ये जो मिराज है इंडिया का मेंबरशिप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ये भी गलत है। अब देखिए, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना ही क्यों था? इंडिया ने टेस्ट किया। ठीक है, अब इंडिया के टेस्ट करने के बाद न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मई 1974 में इंडिया ने ये किया, टेस्ट किया, फिर एनएसजी बन गई। अब एनएसजी बनी तो उसकी फर्स्ट मीटिंग 1975 में हुई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 7 पार्टिसिपेंट्स थे, इन सभी ने कहा कि देखिए इंडिया को हमने न्यूक्लियर कोई भी डिवाइस या कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी नहीं, फिर भी इंडिया ने टेस्ट कर लिया, तो हम एक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाते हैं और इसके अंतर्गत जो भी इसके सिग्नेटरी मेंबर्स नहीं है उसमें से किसी भी कंट्रीज के पास हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जाने देंगे जो कि हो सकता है पोटेंशियली हेल्पफुल हो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इंडिया एनर्जी का मेंबर नहीं है, बट ऐसा कई जगह बढ़ा चढ़ा के कहा गया कि इंडिया एनर्जी का मेंबर बन गया है, इंडिया एनर्जी का मेंबर बन गया, तो इसे मिराज कहते हैं या फेरी टेल कहते हैं इसे राइटर। इवन द मेंबर्स ऑफ एनर्जी इज अ सिग्नेटरी टू द एनपीटी। ठीक है, तो जो भी मेंबर हैं एनर्जी के वो सिग्नेटरी हैं एनपीटी के, नॉन प्रोलिफिकेशन थ्रेटी के। ठीक है, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है तो उससे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, एनएसजी के नहीं है तो एनपीटी के भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब सिविल लाइबिलिटी लॉ कहते हैं, सिविल लाइबिलिटी लॉ के अंतर्गत कहते हैं कि जब भी कभी ऐसी कोई बात आती है तो कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाकर कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, अभी फिलहाल में तो नहीं होने जा रहा है। ओके, अब न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, और ये जो
लायबिलिटी लॉ है, उसे स्मोक स्क्रीन की तरह यूज़ कर रहा है यूएस, किस लिए? सो दैट वो नॉट टू ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू इंडिया, इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करने के लिए ये जो लायबिलिटी लॉ है इसे स्मोक स्क्रीन की तरह यूएस यूज़ कर रहा है। ओके, फिर क्लिंटन क्लिंटन के टाइम से ही एक बात चल रही थी कि इवन जब क्लिंटन थे तभी से बात चल रही है कि इंडिया कुड यूज़ द इंडिया यूएस एग्रीमेंट, इंडिया यूएस एग्रीमेंट को यूज़ कर सकता है। किस तरह से? जो एग्रीमेंट हुई थी ऑन सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन ना, उसे यूज़ कर सकता है ताकि वो दूसरे कंट्रीज से मटेरियल ले सके, ठीक है? तो इसके खिलाफ थे कि ये शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग इंडियाज न्यूक्लियर कैपेसिटी, मतलब यूएस को रोकना चाहिए कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन ना कर ले। ये क्लिंटन सर के टाइम से ही बात चल रही है, तो अभी भी आप देख रहे हैं लगभग वैसे ही मैटर है। ओके, द एग्जागरेटेड फेथ इन द वैल्यू ऑफ सॉफ्ट पावर। अब देखिए इसमें बात चल रही है कि इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड मतलब जब तक इंडिया के ऊपर अटैक नहीं होगा तब तक वर्ल्ड वार में इंडिया नहीं जाएगा। अब जैसे दो गुट हैं, दो अलाइड फोर्स हैं, एक तो है कि यूएस की हो गई साइड, दूसरी रसिया और चाइना इधर, ठीक है? तो कहा जाता है कि इंडिया ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, जिसे गुट निरपेक्षता की नीति भी कहते हैं या फिर कहते हैं कि नन अलाइंड स्टैंड। तो इंडिया किसी की तरफ अलाइंड नहीं है। तो इसमें राइटर कहते हैं कि नन अलाइनमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो सकता है, हम चुका रहे हो। कैसे? आप किसी की तरफ अलाइंड नहीं है तो कंट्री जो अलाइंड है उन्हें स्ट्रेंथन करने में उसकी पूरी ग्रुप हेल्प करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कभी वर्ल्ड वार हुआ तो ये हमारी हेल्प जरूर करेंगे, हम पे भी अटैक हुआ तो ये हेल्प करेंगे। एक तरह से समझिए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप टाइप की इक्वेशन है। बट इंडिया हेल्प नहीं करेगा, जब तक इंडिया के ऊपर अटैक ना हो तो इंडिया की भी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है? तो नन अलाइड मूवमेंट जो है इसने हमें शायद काफ़ी ज़्यादा हेल्प नहीं किया है, ऐसा राइटर का कहना है। द डेंजर ऑफ, अब देखिए एक डेंजर की बात कर रहे हैं, किस बात की? ये लास्ट पॉइंट है राइटर का। राइटर कहते हैं कि अगर ये जो फेरी टेल्स हैं, ठीक है, और ये जो इल्यूज़न है, अगर ये इल्यूज़न और फेरी टेल्स के आगे जो मकड़ जाल लगा हुआ है अगर ये हट गया किसी तरह, तो हो सकता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, और इसके ऊपर क्या होगा ये अच्छे से लोग पब्लिक सब इस पर डिस्कस करेगी, तो इसे हट जाने से हो सकता है काफ़ी ज़्यादा रिस्क आ जाए, ठीक है? तो इसे ही राइटर कहते हैं कि इसका हटना अच्छा है या खराब है ये आप सोचिए। राइटर के अनुसार है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं भी दे सकता है। ओके, आप अपने व्यूज हमें कमेंट में कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू लिसन टू दैट। फिर सेकेंड है लिमिटेड पीस ऑन यूएई इजराइल पीस एग्रीमेंट। अब देखिए यूएई जो है, यूनाइटेड अरब इमीरेट्स और इजराइल, इसके ऊपर जो पीस हुआ है ये लिमिटेड क्यों कहा गया है? देखिए यूएई और इजराइल, सबसे पहले आप जानिए कि ये दोनों यूएस के क्या हैं, अलाइज हैं, ठीक है? अब इसके ऊपर पीस को लिमिटेड क्यों कहा गया है ये राइटर इसमें स्ट्रेस देते हैं। सबसे पहले एक मैप देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए मैप में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इसराइल है, ठीक है, ये सीरिया है, ये लेबनान है। जैसा कि आप जानते हैं लेबनान में ही अभी बेरूत में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था, ठीक है, ये कोस्टल एरियाज में, जिसकी वजह से पूरी सिटीज़ लगभग डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ये लेबनान है, ठीक है, ये इसराइल है। अब ये यहाँ गोलन हाइट्स है, और यहाँ क्या है, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है, और ये सीरिया है। अब देखिए यहाँ कहीं आता है यूएई, ठीक है, जॉर्डन के बाद यहाँ आता है यूएई, ठीक है। तो यूएई और इसराइल में डील हुई है, ठीक। अब इसे लिमिटेड क्यों कहा गया है ये देखते हैं। देखिए द पीस एग्रीमेंट रीच बिटवीन इसराइल एंड यूएई, डील अनाउंस्ड बाई यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प। ओके, अब इससे क्या होगा कि यूएई जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा इसराइल को और इस्टेब्लिश करेगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है। पहले यूएई ने रिजोल्यूशन लिया था कि ये कभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं इस्टेब्लिश करेगा इसराइल के साथ, बट अब ये करेगा, ठीक है। एंड इसराइल विल हॉल्ट, इसराइल क्या हॉल्ट करेगा, पलास्तीन, पलास्तीन के वेस्ट बैंक पे जो फैथ्स हैं उसको एनेक्स करना चाहता था इसराइल, वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पलास्तीन ही एक ऐसा मैटर है जिसके ऊपर, जिसकी वजह से आज तक यूएई इसराइल को डिप्लोमेटिक रिलेशंस कोई इस्टेब्लिश नहीं किया था इसने इसराइल के साथ, ठीक है। अब यूएई क्या है, थर्ड अरब कंट्रीज है और फर्स्ट गल्फ कंट्री है जो रिकॉग्नाइज कर रहा है किसे, इसराइल को, एज अ फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ओके, अब देखिए इसने क्या कर दिया, इसराइल और यूएई की जो डील हुई है इसने एक नया रास्ता खोल दिया कि ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाए और अपने कॉमन एनिमी सिया ईरान के साथ वॉर करें। ओके, नेक्स्ट इसराइल क्या कर रहा है, एक्सपेंडिंग, अब देखिए ये जो इसराइल के साथ हुई ना ये फोकस किस पे कर रहा है कि एक्सपेंडिंग टाइज जो है ये करेगा,
इसराइल अपनी टाइज को अरब वर्ल्ड के साथ और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ओके। और यूएस क्या कर रहा है, एक्सप्रेस्ड होप, किस बात के लिए होप कर रहा है कि मोर अरब कंट्रीज जो हैं वो यूएई के लीड को फॉलो करेंगे और वो भी इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, ओके। अरब इसराइल क्या है, ये काफ़ी कन्फ्लिक्ट भरा था, ठीक है, कब से, तब से ही जब से इसराइल डिक्लेयर हुआ था, इसराइल को एक स्टेट डिक्लेयर किया था 1948 में, ठीक है। अब देखिए ये ट्रम्प जो है उन्होंने डिप्लोमेटिकली समझिए एक तरह से इसराइल और यूएई के बीच में ये करवा के, मतलब रिलेशंस बना करके काफ़ी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री कर ली है, वो भी इलेक्शन से कुछ समय पहले। दोनों अलाइज हैं जैसा कि मैंने कह दिया, यूएस अरेंज मीटिंग्स, यूएस ने ही कई मीटिंग्स अरेंज करवाई, एग्रीमेंट्स करवाए और अल्टीमेटली ये पीस एग्रीमेंट साइन हो गया। अब इसमें बीच में आता है पलास्तीन का एग्रीमेंट, जैसे डील क्या है, डील है कि पोटेंशियल टू चेंज द अरब इसराइल रिलेशन फॉर गुड, हमेशा के लिए चेंज कर सकता है, एंड सो डिकपलिंग ऑफ अरब कंट्रीज फ्रॉम द पलस्तीन क्वेश्चन, ये हो गया इंपॉर्टेंट, ये पलस्तीन यहाँ क्यों आ रहा है और डिकपलिंग की बात क्यों की जा रही है। बात ऐसी है कि यूएई जो है उसने क्या किया था, उसने पहले ही बहुत पहले कहा था कि अरब इनिशिएटिव एक था, अरब इनिशिएटिव क्या था, इसमें कहते हैं कि सऊदी अफ्रीका जो इनिशिएटिव है, वो सऊदी अरबिया या यूएई आप कहिए, उसकी इनिशिएटिव थी इसने, और इसे इंडोर्स किया गया था अरब लीग के द्वारा। इसने कहा था कि हम इसराइल को तब तक रिकॉग्निशन नहीं देंगे, तब तक नहीं देंगे जब तक ये अपने फुल्ली अपने आप को विड्रॉ कर ले ऑक्यूपाइड फलस्तीन की टेरिटरी से, ओके। तो जो जो फलस्तीन की टेरिटरी इसराइल ने ऑक्यूपाई की है उन सब से अगर इसराइल को हटा लेता है तो फिर हम इसे रिकॉग्निशन देंगे, वरना नहीं देंगे। बट देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा कि पीएम भी कह रहे हैं, इसराइली पीएम नानायहू, वो क्या कह रहे हैं कि हमने आवर रिटर्निंग टू द 1967 बॉर्डर्स, विदाउट आवर रिटर्निंग टू द 1967 हमने अरब कंट्रीज के साथ पीस बना लिया, हमने यूएई के साथ पीस बना लिया, ठीक है। तो अरब पीस इनिशिएटिव को इससे झटका लग रहा है, ठीक है, जो कि यूएई के अंतर्गत ही था। अब इससे होगा कि इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन आएंगे और फलस्तीन का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो फलस्तीन के लिए लॉस है कि इसराइल फलस्तीन को बिना ध्यान में रखते हुए ही यूएई ने डील कर लिया इसराइल के साथ, ठीक है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही जेरूजलम को इसराइल का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, जो कि एक खुद में ही एक ये था डिस्प्यूटेड एरिया था। इससे क्या हो गया कि इसराइल की गोलन हाइट्स के ऊपर राइट्स को भी समझिए एक तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडोर्स कर दिया, यूएस ने इंडोर्स कर दिया, यूनाइटेड नेशंस ने इंडोर्स कर दिया, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। गोलन हाइट्स जो डिस्प्यूटेड एरिया था, ये गोलन हाइट्स यहाँ है, एक मिनट में मैप में दिखाई देता हूँ, ये गोलन हाइट्स है, ये पूरा एरिया जो है ये है, इसे ही गोलन हाइट्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, डील शो कर रहा है कि यूएई जो है मूव अवे कर गया है अरब इनिशिएटिव से, अरब इनिशिएटिव से मूव अवे कर गया है। अब इस पे राइटर कुछ क्वेश्चन कहते हैं कि विल इमीडिएट बी एबल टू प्रेस द ज्यूइश स्टेट टू रिलैक्स इट इन ह्यूमन एंड इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पलस्तीन टेरिटरीज। इस पे पूछते हैं कि क्या इमीडिएट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के बाद सक्सेसफुल हो पाएगा कि ये पलस्तीन के में जो इनह्यूमन और इलीगल जो ऑक्यूपेशन कर रहा है इसराइल, इसे रोकने में क्या ये ऑक्यूपायर और ऑक्यूपाइड के बीच में टॉक करने में एबल हो पाएगा, इसमें सफल हो पाएगा। राइटर फिर कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर यूएई और इसराइल की जो डील है, जो पीस डील है, वो इनसिग्निफिकेंट है फलस्तीन के लिए, ओके। एंड फलस्तीन जो है उसे भी ये समझना चाहिए कि वेस्ट एशिया में जो है वो इमर्ज हो रही है रिलेशनशिप, तो इसे समझना चाहिए। और फलस्तीन और इसराइल और अरब का तो कन्फ्लिक्ट जो है वो कम गया, बट फलस्तीन और इसराइल का कन्फ्लिक्ट अभी भी चलता रहेगा। लास्ट में राइटर यही कहते हैं कि अगर नहीं रोक पाया इसे और अरब अगर कुछ सही नहीं कर पाया तो हो सकता है कि यूएई और इसराइल की जो डील है ये लिमिटेड डील हो, ये थोड़े टाइम के लिए हो, और इसीलिए राइटर ने ये भी कहा है कि ये जो डील है ये लिमिटेड पीस डील है, ओके। आगे की टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉकिंग टफ ऑन नागा इशू। अब ये नागालैंड में ये जो नागा ट्राइब्स रहते हैं इनके ऊपर राइटर ने कहा है, तो देखिए ये कृष्णा कुमार है, इन्होंने इसे लिखा है, ठीक है। अब कृष्णा कुमार के वर्ड्स हैं, ये कहते हैं द सेंटर मस्ट री इंगेज विथ NSCN IM, ठीक है। NSCM क्या है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म, ओके, इसका मुवा, ओके, इसका ये जो है ये इसके फाउंडर थे तो उन्हीं के नाम पे आया है, ठीक है। इसका मुवा विदाउट गिविंग इट टू द आर्बिट्री डिमांड्स, अब इसकी कुछ डिमांड्स हैं,
किसके, एनएससीएन के। अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बिना इसे फुलफिल किए, इसे हर डिमांड को बिना माने हुए फिर से सेंटर को री इंगेज करना चाहिए इनके साथ टॉप में। तो देखिए टॉप की बात तो पहले ही हो चुकी थी 2015 में ही, बट अक्टूबर 2015 में ही, बट ये फिर रुका क्यों? ये रुका इसलिए कि इन्होंने डिमांड कर दिया कि ये जो हमारे आर्बिट्रेशन के लिए इंटरलोक्यूटर जो आपने किया है गवर्नर साहब को, गवर्नर आर एन रवि को, ये हमारे बीच में मतलब गवर्नमेंट और नागा पीपल के बीच में टाइज बनाने के लिए सही आदमी नहीं है और इनकी लॉयल्टी पे हमें शक है, आप इन्हें हटा दीजिए। ये NSCN IM की डिमांड है। ओके, इसकी वजह से क्या होगा कि जो बातचीत चल रही थी उसमें वो रुक गई। ठीक है, अब देखिए NNPG ये क्या है, नागा नेशनल पॉइंट का ग्रुप, ये सारे नागाज के ग्रुप्स को बना के एक पैनल के अंदर रखा गया है, ये NNPG है, NNPGS ग्रुप। तो ये एक ग्रुप हो गया NSCN एंड NNPGS, दो ग्रुप्स हैं। ओके, अब गवर्नर ने क्या किया था, गवर्नर ने एड्रेस किया था फ्यू मंथ्स अगो कि काफ़ी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुकी है और आर्म्ड गैंग्स जो हैं वो घूमते हैं और वो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं स्टेट के अंदर। ठीक है, और इंडीड वो एक्सटॉर्शंस भी ले रहे हैं पीपल से, जिसे वो नाम दे रहे हैं टैक्स कलेक्शन का। ये लोगों ने कहा कि नहीं ये तो टैक्स कलेक्शंस है। ठीक है, अब NSCN जो है इज गोइंग टू रिलीज डिटेल्स ऑफ 2015 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने कहा था कि 2015 में ही फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो चुकी थी और उसके तहत बातचीत भी चल रही थी गवर्नमेंट और उसके बीच में, बट फिर इन्होंने कहा कि गवर्नर को आप हटा दीजिए। ठीक है, और बातचीत रुक गई, तो इसे अब ये पब्लिक कर देंगे, जबकि ये अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं था, बट इन्हें ये पब्लिक करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अदर अदर नागाज ग्रुप्स जो हैं, अदर नागा ग्रुप्स मतलब ये हो गए NNPGS। ओके, ये नहीं, ये कह रहे हैं कि ओके हमें गवर्नर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं नहीं रुकाओ, डोंट वांट गवर्नर टू बी रिमूव्ड एज इंटरप्रेटर, आप मत हटाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिंस 2015 द इंगेजमेंट ऑफ अदर नागा ग्रुप्स आर इंगेज, काफ़ी सारे नागा ग्रुप इंगेज हो गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे नागा ग्रुप अब एक्टिव हो गए पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब NSCN की बात जो है ये ग्रेटर नागालिज्म की बात करते हैं, ये ग्रेटर नागालिज्म की बात करते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि नागा जो हैं उनकी कोई स्टेट नहीं है, उनकी कोई बाउंड्री, वो उनकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी नहीं मानते, वो बियॉन्ड बाउंड्रीज हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन और अपना ही एक अलग का फ्लैग रखते हैं और वो कहते हैं कि नागालैंड जो है वो बियॉन्ड बाउंड्रीज है। मतलब ये काफ़ी हद तक जो है ये मिजोरम की काफ़ी हद तक मतलब कुछ एरियाज को पे क्लेम करते हैं और इंडिया की बाउंड्री से भी बाहर चले जाते हैं, तो जो कि सही नहीं है। ओके, अब NNPG जो है ये सेकेंड ग्रुप है, बेस्ड ऑन नागालिज्म, ये क्या करते हैं कि ओके इन्हें कह रहे हैं कि ठीक है हम स्टेट बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे, ये ग्रेटर नागालैंड की बात तो करते हैं बट ये स्टेट बाउंड्रीज के अंदर ही करते हैं। ओके, ये थोड़ा लिबरल ग्रुप हो गया और NSCN जो है ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट ग्रुप हो गई। ठीक है, रिबल ग्रुप साउट टू रीडिफाइन द टॉक प्रोसेस। ओके, अब लीगल ग्रुप के साथ हमें फिर से रीडिफाइन करनी चाहिए अपनी टॉक्स को, उनसे अच्छे तरह से बात करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि ये कॉर्ड्स क्या है एंड रीअरेंज करना चाहिए आर्बिट्रेशंस को, ऐसा राइटर का कहना है। ओके, तो राइटर कहते हैं कि आपको नागाज के साथ मिल के बातचीत करनी चाहिए बट उनकी ये जो ग्रेटर नागालैंड की बात है जो कि विदाउट बाउंड्रीज है, इन्हें आप मत मानिए बट उनसे एटलीस्ट बात करिए और देखिए उनकी क्या प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। द लास्ट टॉपिक इज डेमोक्रेसी नीट एंड इंटरनेट ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक पर्सन होते हैं जो कि देखते हैं कि पब्लिक की क्या कंप्लेन है और गवर्नमेंट गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होते हैं और उसके खिलाफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रॉब्लम है पब्लिक की उसके ऊपर डील करते हैं। ठीक है, इसे लिखा है अभिषेक सिंघवी सर ने जो कि MP हैं कांग्रेस के, और जयवीर जयवीर शेरगिल सर ने जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। ओके, और कांग्रेस के पर्सन भी है स्पोक्सपर्सन। इसमें कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ गेट कीपर, जो थीम है इस पूरे आर्टिकल का वो है देयर मस्ट बी अ गेट कीपर टू बैलेंस द एपेटाइट्स फॉर टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और प्राइवेसी की जो एपेटाइट है इसे, एपेटाइट मतलब भूख इच्छा, इसे इसे बैलेंस करने के लिए एक गेट कीपर होना चाहिए। अब कैसा गेट कीपर होना चाहिए, गेट कीपर से मतलब यहाँ लॉ से है। ठीक है, बेटर लॉ, बेटर इफेक्टिव बॉडी या मैकेनिज्म, कोई एक बॉडी जो कि इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐसी एक बॉडी की बात की जा रही है। ओके, अब राइटर सबसे पहले कहते हैं कि जहाँ भी कोई एक ट्रायंगल ऑफ रिलेशनशिप होगा वहाँ ट्रस्ट सबसे पहले टूटेगा। ठीक है, तो ये जो डेटा है प्राइवेसी है इसमें तीन प्लेयर्स हैं, ये भी एक ट्रायंगल रिलेशनशिप का, गवर्नमेंट,
कंपनीज एंड सिटीजन के बीच। सिटीजन की डेटा है जिसे कंपनीज जो हैं वो एनालाइज करके मॉडिफाई करके उसे दूसरी कंपनीज को और गवर्नमेंट को और इलेक्शंस के टाइम में यूज़ करना चाहती है। तो इसमें तीन पार्टी के और गवर्नमेंट जो है उसकी ये लाइबिलिटीज़ हैं कि वो संविधान द्वारा हमें दिए गए बेसिक राइट्स को, बेसिक राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करें। तो यहाँ तीन प्लेयर्स हो गए, गवर्नमेंट, कंपनीज एंड सिटीजन। तो इनके बीच में राइटर कहते हैं कि इन तीनों के बीच में जो ट्रायंगल ऑफ रिलेशनशिप है इसमें ट्रस्ट सबसे पहले टूटेगा। ओके, तो अब राइटर का क्या कहना है, देखिए कि इंटरनेट ये एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल एंड सर्वेलेंस है। ओके, अब इसे हमें कैसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हर तरह के रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, हर तरह की डेटा जो है वो इंटरनेट पे आज अवेलेबल है और उसकी काफ़ी हद तक डेटा माइनिंग होती है, डेटा स्टोरेज होती है, डेटा क्लासिफिकेशन होती है, इससे क्राइम होते हैं। ओके, पॉलिटिकल सर्वेलेंस एंड कंट्रोल होता है। तो राइटर का कहना है कि आप इसे कैसे डील कर सकते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवेज की बात है तो राइटर कहते हैं कि आज इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी हद तक क्या कर रहे हैं, रीट्रेबलाइजेशन कर रही है। किसका? पॉलिटिक्स का। तो ये कैसे कर रही है कि लोगों को पता है कैसी क्या डाटा है, किस एज ग्रुप की क्या डिमांड्स है, किस एज ग्रुप को क्या चाहिए, किस पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप्स की क्या क्या डिमांड्स है। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि ट्रेवलाइजेशन हो जा रहा है सारे लोगों का। और इसे डील करने के लिए हमारे पास डेटा पहले से है तो उसके हिसाब से टारगेटेड बिल्कुल स्ट्रेटजीज बनाई जा रही है, कितने पे हमारा इलेक्शंस में और किस पे क्या हो रहा है इसके हिसाब से की जा रही है। ठीक है, फिर कहते हैं कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने गलवान वैलीज के रिस्पांस में 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि ट्रांसग्रेशन है इंडियन सिक्योरिटी के लिए। ओके, ट्रांसग्रेशन ऑफ इंडियन सिक्योरिटी। तो राइटर इसमें क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आपने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, ये तो ओके है, बट अगर ऐसी ही बात है तो आपने उन्हें अलाउ ही क्यों किया था इंडिया में आने के लिए? क्या उन्होंने पहले डेटा नहीं हमारा थेफ्ट किया हुआ? डेटा थेफ्ट तो पहले भी हुई होगी आपके बैन करने से पहले, तो क्या उस वक्त हमारी डेटा की इंपॉर्टेंस नहीं थी उतनी? आपने उन्हें आने ही क्यों दिया, हम पहले ही उसे क्यों ना बैन कर दें? ओके, वाई देयर वाज नो सिक्योरिटी और प्राइवेसी ऑडिट, आपने ऑडिट क्यों नहीं किया, आपने उन्हें पहले ही बैन नहीं किया? फिर फेसबुक और अमेजन, जिन्हें इवन अपने खुद US की सॉइल पे कहा जाता है कि कई बार उन्होंने डेटा लीक किया है डेटा माइनिंग पॉलिसीज के लिए, तो आप उन्हें क्यों अलाउ कर रहे हैं, आप उन्हें चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये जरूरी नहीं है? गवर्नमेंट पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी शुड बी बेस्ड ऑन एडवांस स्ट्रेटजी असेसमेंट रादर देन रिएक्टिव बेसिस। गवर्नमेंट की जो भी स्ट्रेटजी है उसे एडवांस के हिसाब से बेस्ड होना चाहिए। ओके, स्ट्रेटजी के हिसाब से पहले से ही असेस कर लेना चाहिए, ना कि रिएक्टिव। चाइना ने ओके हमारे सैनिक के साथ तुम्हारी क्लैश हुई है तो वी विल ब्लॉक ऑल योर एप्स। अगर आपको ब्लॉक करना है तो आप पहले ही ब्लॉक कर दें, आप उसे गूगल प्ले में आने ही मत दीजिए, आप उसे स्टोर में नहीं आने दीजिए, आप उसे मार्केट में नहीं आने दीजिए, इट कैन बी डन। ये राइटर का कहना है। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड ऑल्सो डेटा थेफ्ट, मतलब कंट्रोल भी है और डेटा थेफ्ट भी है। इसमें राइटर कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रोलिंग एजेंसीज है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में क्या कहा था कि प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट, इन्होंने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कर दिया। ओके, बट गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन द टॉप कोर्ट, गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया टॉप कोर्ट में क्या कि इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी कैन नॉट बी फंडामेंटल राइट। ओके, इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी और डेटा जो है फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। आधार एक्ट को डाइल्यूट कर दिया गया जो कि एक प्राइवेसी बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, आरोग्य सेतु जो ऐप है वो खुद अपने इसके लिए प्राइवेसी के लिए वो जो है उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ओके, अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का इंप्रेशन अभी क्या बन गया पब्लिक के ऊपर कि गवर्नमेंट इज मोर इंटरेस्टेड इन कंट्रोल देन प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट इज मोर इंटरेस्टेड है किसमें, कंट्रोल ऑफ डेटा पे देन प्रोटेक्शन ऑफ डेटा पे। ओके, अब पीपल इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं डेटा थेफ्ट से। कैसे? अभी देखिए रिपोर्ट किया गया कि 1.3 मिलियन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स जो है वो इंडियन बैंक से स्टोल कर लिए गए। ओके, एंड मोर देन 6.8 मिलियन यूजर्स की क्या है वो हेल्थ केयर वेबसाइट से जो है वो डेटा स्टोल कर ली गई थी। ठीक है, तो इसका इससे सफ़र सबसे ज़्यादा कौन करेंगे? पब्लिक करेगी। फिर राइटर कहते हैं कि प्राइवेट फॉर्म्स एंड इलेक्शंस, प्राइवेट फॉर्म्स का इलेक्शन में क्या प्ले है। प्राइवेट फॉर्म्स डेटा को एनालाइज करती है, एक्सप्लॉइट करती है और इलेक्शन के टाइम में उस कस्टमाइज डेटा को, पॉलिटिकल मैसेजिंग को और सब कुछ को पास करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लीगल नहीं है। उसके बाद फिर कहते हैं कि जो कस्टमाइजेशन ऑफ डेटा है ये इलीगल है। ठीक है, और अनऑथराइज डेटा की माइनिंग जो है ये भी इलीगल है, बट ये प्राइवेट फॉर्म्स जो हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ये जो कर रही हैं एंड इलेक्शन टाइम में इसका यूज़ करती है। मेनी प्राइवेट इंटरप्राइजेस रूटीनली शेयर द पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल विद थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आपके डेटा शेयर किए जाते हैं और थर्ड पार्टीज के साथ भी शेयर की जाती है।
कई सारी ऐसी प्राइवेट फॉर्म्स हैं जो आपके डेटा को शेयर कर रहे हैं और उससे फ़ायदा ले रहे हैं। फिर कहते हैं कि देखिए रोल ऑफ व्हाट्सएप एंड इसके बारे में कर रहे हैं कि आज की जो मीडिया है और आज के जो सिटीजन है, सिटीजन जो है वो डिजिटल मीडिया को क्या लेते हैं, इमेज और साउंड के करियर के रूप में लेते हैं, ठीक है, रैदर देन वर्ड्स एंड थाट्स। वर्ड्स एंड थाट्स से ज़्यादा वो इमेजेस एंड साउंड्स के कैरियर के रूप में डिजिटल मीडिया को देखते हैं। अब इससे क्या होता है कि ये फेक न्यूज़ स्प्रेड करने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोर्स बन जाता है। इंडीड जो फैमिली ग्रुप्स हैं इन सभी में काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ आते रहते हैं ग्रुप में, जैसे कि डेली राइट जो है वो व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ फॉरवर्ड होने की वजह से फैला था, ठीक है। फिर अब ये जो रिसेंटली डिक्लेरेशन आया था कि COVID-19 एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और जितने भी ये हैं मतलब वेजिटेरियन हैं वो COVID-19 से इन्फेक्टेड नहीं हो सकते हैं, जबकि ये सब सब गलत बात है, तो ऐसे ऐसे न्यूज़ फैलते रहते हैं। तो राइटर का कहना है फिर ये जो वायलेंस कई जगह इंड्यूस कर दी जाती है फेक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, तो ये सभी क्या है, इसे राइटर कहते हैं कि ये चेक किया जाना चाहिए। ओके, देन आफ्टर रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जैसे कि गेट कीपर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए इसकी बात करते हैं। शुड देयर बी गेट कीपर टू बैलेंस एपेटाइट फॉर टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, राइटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या गेट कीपर होना चाहिए। तो राइटर कहते हैं हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बट तभी होना चाहिए जब वो कम्प्लीटली जेन्यून और इंडिपेंडेंट हो। अगर वो कम्प्लीटली जेन्यून और इंडिपेंडेंट है तो होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। अब राइटर इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है जो कि पार्लियामेंट में स्ट्रगल कर रहा है वो हमें प्रोटेक्शन करने के बजाय वो मोर अबाउट कंट्रोल एंड सर्विलेंस, वो ज़्यादा इंक्लाइन है कंट्रोल एंड सर्विलेंस ऑफ आवर डेटा देन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर डेटा। फिर राइटर सेक्शन 35 की बात करते हैं जिसमें कहते हैं कि प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद द अनफिल्टर्ड एक्सेस टू पर्सनल डेटा। ओके, पर्सनल डेटा को काफ़ी ज़्यादा एक्सेस देता है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस में भी कहा गया है। एंड देन विल अलाउ करता है स्टेट एंड प्राइवेट पार्टीज टू प्रोसेस पर्सनल डेटा विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट, आपकी कंसेंट के बिना ही आपके पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने की पावर देता है सेक्शन 35 के अंतर्गत ये बिल, ठीक है। फिर राइटर अंत में कहते हैं कि ये जो जितने भी साइबर लॉज हैं आईटी लॉज हैं इन सभी को हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबको इफेक्टिवली करने के लिए हमें एक ऑम्बड्समैन चाहिए जो कि साइबर लॉज जो बने आईटी लॉज जो बने ये बिल्कुल बिल्कुल बने ट्रांसपेरेंट हो, ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो और ये जेन्युइनली अपना काम करे, ठीक है, किसी के प्रेशर में नहीं आए, ना गवर्नमेंट के प्रेशर में आए, ना किसी के प्रेशर में आए, बस ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दायरे में रहे और ये इंडिपेंडेंट काम करे, ये बात राइटर कहते हैं, ठीक है। तो आज के द हिंदू ट्यूटोरियल में बस इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए सो दैट हम ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकें, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए हमारे चैनल को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें, फीडबैक हमें दें जो कि हमें और भी बेहतर वीडियोज़ बनाने में मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।